हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं या आप सबों की जानकारी हो कि CISF हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरने का डेट थोड़ा बढ़ गया। 25 तारीख 25 फरवरी निर्धारित की गई है अगला लास्ट डेट। आइए इसकी सूचना को देख लेते हैं। सर्वप्रथम क्रोम ब्राउजर में गए, यहाँ पे वेबसाइट उसका www.cisf.gov.in, यही वेबसाइट होगा। जैसे कि सामने हमने टाइप कर दिया cisf.gov.in। अब देखते हैं इसको, यहाँ पे ये लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे दिखा रहा है। एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2019। इसको डाउनलोड कर ले रहे हैं। डाउनलोड होके हम लोग सामने ऐसा ये नोटिस बोर्ड शो कर रहा है, कीपिंग इन व्यू द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2019 इज एक्सटेंडेड अप टू 25/2/2019 5 PM। मतलब वो फॉर्म एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्म अधिक फॉर्म जो बड़ी मात्रा में भरा जा रहा है को ध्यान में रखते हुए 25 फरवरी 2019 तक इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, ये नोटिस पुराना ही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है, लेकिन डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो आप चाहें तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, ऑनलाइन आवेदन पत्रों की प्राप्ति जो 21 जनवरी 2019 से स्टार्ट होकर के 20 फरवरी 2019 तक होनी थी, लेकिन डेट को बढ़ा दिया गया है। इसका वेतन की बात कर लें तो ग्रेड पे लगने वाला ग्रेड पे 2400 के साथ काम करेगा। और ये जो इसकी सीट है, यहाँ पे आप पुरुष के लिए देख सकते हैं, महिला के लिए देख सकते हैं, और LDCE विभागीय में देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है, शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से इंटरमीडिएट अथवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र प्लस टू, और आयु सीमा 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। और कुछ छूट भी है, नोटिफिकेशन ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही इसमें टाइपिंग टेस्ट चाहिए। और ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फिजिकल के लिए ये यहाँ पे दिया गया। बाकी जो नोटिफिकेशन है आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसका लिंक, वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। थैंक यू।